इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बारे में बताया गया था। अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ये दोनों एंगल्स को आपको जानना होगा जब आप इसको हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपका जो बेसिक जो क्वेश्चन सब आ सकता है, हायर ऑर्डर का क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हो सकता है आपके फिगर बनाने के, आपको समय को लेके और जिस तरह की आपका पैटर्न दिया हुआ है उसके हिसाब से, लेकिन कुछ बेसिक प्रश्न तो इससे जरूर पूछे जा सकते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। जब आप नीचे से अपने आंखों से अगर आप कहीं ऊपर देख रहे होते हैं तब आपका आई का लेवल जो है, जो एंगल बनाता है क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टल से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ऊपर का जो पॉइंट है वहां तक का जो एंगल बनता है, वो एंगल जो है वो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। और उसी तरह से अगर आप कहीं ऊपर की अवस्था में हैं, अगर ऊपर की जगह से अगर आप कहीं नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल जो होगा आपका अवनमन कोण होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये बेसिक कुछ बातों को बताते हुए हम कुछ प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए ये देखे थे कि इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। पहला क्वेश्चन ये था, 4-5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, इसलिए मैंने उसके आंसर को भी हाईलाइट करके रखा है जिससे कि समय को थोड़ा हम सेव कर सके। कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि अगर tan a प्लस बी रूट थ्री है, tan a माइनस बी 1/√3 है, तो हम किस तरह से इस पर्टिकुलर प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स 45 डिग्री और 15 डिग्री का वैल्यू निकलता है। तो ये हम कल बता चुके थे और जब आपको ये मटेरियल शेयर किया जाएगा तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, अच्छा से बनाया हुआ, डिस्क्राइब किया हुआ, तो आप इसको और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उसी तरह से मैंने दूसरा क्वेश्चन जो है उसको भी बताया था आपको, दूसरे क्वेश्चन में भी बताया गया था कि आपका ट्रायंगल एबीसी में जो ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपके ट्रायंगल एबीसी में एक बी जो है वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और एसी प्लस बीसी 49 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और तो साइन ए का मान निकालना है। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और उसको यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको इसका सॉल्यूशन भी उस दिन कल मैंने बताया था, थोड़ा बहुत वर्कआउट करके आपको स्क्रीन पे दिखाया था, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इसे। ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपका सेकेंड जो क्वेश्चन था उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। एक मिनट, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कल, इसको एक्चुअली बता चुका था मैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा अगर ट्रायंगल एबीसी में एसी अगर आपका कर्ण है, एबी और बीसी जो अन्य दो भुजाएं हैं,
एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो इसी को अगर सॉल्व करते हैं तो ए बी हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो आपका क्योंकि बी सी के पास ए सी प्लस बी सी 49 है तो हम बी सी को क्या लिख सकते हैं 49 माइनस ए सी लिख सकते हैं। 49 माइनस ए सी करके यहाँ लिखा गया है, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला को यहाँ यूज किया गया है और जब इसको यूज किया गया है तो आप देख सकते हैं ये ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। तो उसको यूज करते हुए इसको सॉल्व किया गया है और ये सॉल्व करने के बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से आपको पता चल जाएगा कि ए सी जो है वो आपका 25 आएगा, है ना, ये 25 यहाँ आएगा। तो ये आपको यहाँ बताता है कि आप किस तरह से इसको आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 25 आपको दिख रहा होगा। तो ये यही क्वेश्चन कल भी इसका डिस्कशन हो गया था। तो ये क्वेश्चन है जिसमें 24 आपको मिला और क्योंकि हमें साइन ए निकालना है तो साइन ए का मतलब होता है पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ आपका परपेंडिकुलर आपका जो है वो निकल रहा है 24, बी सी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है और है ना, ये आप देख सकते हैं एक बार और मैं दिखाता हूँ, ये आपका ये फिगर एक्चुअली है ना, ये फिगर है जिसमें कि बताया जा रहा था कि बी पे जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो हमें ए के कॉन्सेप्ट से अगर देखना है क्योंकि तो साइन ए पूछा गया है, तो साइन कल भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि साइन का मतलब होता है आपके उस अपोजिट जो साइड हो, अपोजिट साइड मतलब ए का अपोजिट साइड यहाँ बी सी दिख रहा है और अपोजिट साइड और डिवाइडेड बाई कर्ण मतलब ए सी। तो ये हमें देख सकते हैं यहाँ से कि ये क्या होगा, बी सी हमें मिल चुका है, बी सी हमें 24 मिला और ए सी हमें पहले से मालूम है 25, तो हमारा जो आंसर है वो 24/25। तो ये हमारा अब आप देखें ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये भी कल बताया जा चुका है, पांच नंबर तक मैं थोड़ा पास जाऊंगा क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसमें भी हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था, इसमें हम देखे थे यहाँ पे भी एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, राइट एंगल एट बी, एसी जो है वो 17 है, बीसी जो है वो 15 है और एंगल सी एसीबी का मतलब एंगल सी जो है वहां उसके कंसर्निंग आपको सारे रेशियोज को देखना है, मतलब यहाँ थीटा जो है वो एसी बिंदु पे देखना है, एसीबी जो आपका ट्रायंगल है वहां सी एंगल पे सी यहाँ पे है वहां से आपको उसके संदर्भ में आपको देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये आपको यहाँ पे भी आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, एसी 17 दिया गया है, बीसी 15 दिया गया है और जैसा मैंने पहले प्रॉब्लम में भी आपको बताया था, पहले प्रॉब्लम इसके जस्ट पहले वाले प्रॉब्लम में भी, इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें जो है ए बी जो है वो हमारा क्योंकि तीसरा साइड ए बी बचा हुआ है, ए बी अगर आप यूज करके निकालेंगे तो ए बी आपका 8 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन में भी दिया गया है क्योंकि ये उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, मैं दोबारा इसको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप उसी प्रोसेस से आगे जाएंगे तो आपको जो ए बी जो है वो 28 सेंटीमीटर निकले। अभी 8 सेंटीमीटर निकलने के बाद कहने की बात ये है कि आपके पास तीनों भुजाएं आपके पास आ गई, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको मिल गए, आपको ए सी मिल गया, आपको बी सी मिल गया और ए बी मिल गया। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, आधार बाई कर्ण होता है और साइन थीटा जो है जो अभी मैं बता रहा था ये आपका लंब बाई कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्योंकि आपके पास तीनों साइड है आप डिनोट कर सकते हैं सी एंगल के तहत, सी जहां पे बना हुआ है उस एंगल के तहत आपको पता चिन्हित हो जाएगा कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, आपका बेस कौन सा है।
या परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट साइड होगा, और जो संलग्न भुजा है वो आपका आधार होगा, उसको बेस कहेंगे। तो जिस एंगल के रिलेशन में आपको रेशियो निकालना है उस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर या लंब रेखा बोलेंगे, और जिस उसके उसके साथ जो लगा हुआ भुजा है वो उसका आधार कहलाएगा। और कर्ण तो आप जान रहे हैं, कर्ण जो है वो आपका जस्ट 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो है उसे कर्ण कहते हैं। तो आपको जैसे ये चिन्हित हो जाता है कि लंब कौन सा, आधार कौन सा और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो आप आराम से कॉस थीटा भी लिख पाएंगे, साइन थीटा भी लिख पाएंगे। तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी कॉस स्क्वायर, एक आपका 8/17 होगा और एक 15/17 होगा। 8/17, 15/17 जो वैल्यू है उसको हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, जो भी आएगा उसको आपको पहले स्क्वायर करना है और फिर माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको 161 निकलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा 15/17 होगा और साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 8/17 होगा। तो आपका 15 का स्क्वायर 225 हुआ, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो, और आपका साइन स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो 225 माइनस 64 आपका 225 माइनस 64 अगर आप करेंगे तो 161 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर नीचे है तो 289। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, और ये सॉल्यूशन जब आपको शेयर किया जाएगा तो आप आराम से उसको फॉलो अप कर सकते हैं, कल भी मैंने इसको बताया था। उसके बाद जब हम चौथे प्रश्न पे जाते हैं, जो कि भी एक आसान प्रश्न है, सिर्फ देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। मैथ्स के बच्चों को लग रहा होगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे, जो वो अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो उन्हें ये प्रश्न सब काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे दूसरे बैकग्राउंड के हैं, दूसरे सब्जेक्ट से हैं, अवश्य ही उनके लिए ये क्वेश्चन जो है एक टिपिकल क्वेश्चन होगा, जब तक कि वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर ना हो, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न ही पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न में वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, अगर आप रेशियो में थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स दिए जाते हैं कि आप आसानी से गलत कर लेंगे, और जहाँ गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम इसे सिर्फ जो ट्रिक सब मैंने बताया, जो सिंपल फॉर्मूला सब, जो पॉइंट सब बताया कि आपको किन किन बातों का याद रखना है, आप रेशियोज को याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या है, आपको पता होना चाहिए बेस क्या है, आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज क्या है, और कैसे उसको चिन्हित करते हैं उसका तरीका भी मैंने बता दिया, कि जिस एंगल के संदर्भ में हम रेशियो सब को देख रहे हैं उस एंगल का अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा, उस एंगल का जो जो एक भुजा एंगल जो है दो साइड से बना होता है, एक एक साइड जो होगा वो साइड उसका बेस कहलाएगा, और एक बाकी साइड जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, आधार होगा, कर्ण होगा। तो इसलिए आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम किसको, बहुत बार हमारे पास जब ट्रायंगल को क्या ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं, बेसिकली हमारे पास बेस में आधार पर ही एंगल्स रहता है, लेकिन अगर एंगल का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर कहाँ गया और हाइपोटेन्यूज कैसा है। तो आपको आसानी से यही समझना है कि राइट एंगल का ऑपोजिट साइड जो होगा वो आपका कर्ण है या हाइपोटन्यूज है। आपका राइट एंगल, आपका जो जिस एंगल के लिए आपको रेशियो सब निकालना है उस एंगल के अपोजिट साइड 90 डिग्री का अपोजिट साइड कर्ण हो गया, हाइपोटन्यूज हो गया, जिसका एंगल के संदर्भ में आपको रेशियो सब निकालना है वो अगर आपको यूज करना है, थोड़ा मैं आपको के भी दिखा देता हूँ। अगर ये मान लीजिए आपके पास है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये आपको दिख रहा है, ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको मालूम है कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, और अगर आपको थीटा यहाँ दिया गया है, अगर आपके पास थीटा यहाँ दिया गया है, यहाँ एंगल दिया गया 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, तो इस एंगल के अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट जो साइड है, ये साइड अपोजिट साइड क्या है, ये तो इसका अपोजिट नहीं है, ये तो इसी एंगल का पार्ट है, ये जो है ये भी इसके अपोजिट नहीं है,
ये दोनों साइड इसके अपोजिट नहीं है, अपोजिट साइड कौन सा है, ये अपोजिट साइड है, तो ये अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा। और बाकी मैंने बोला 90 डिग्री का अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किसको हमें परपेंडिकुलर देखना है और किसको हमें बेस मानना है, और बाकी जो बचा वो बेस हो गया। लेकिन अगर यही यही पर्टिकुलर फिगर में अगर हम ये देखें कि इसको अगर हम हटा देते हैं और अगर हमें अब अगर ये देखा जाए कि हमारा एंगल यहाँ पे है, अगर हमारा एंगल यहाँ पे है तो आप देखिए पहले ये परपेंडिकुलर था, लेकिन अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहा क्योंकि अब इस एंगल के अपोजिट साइड ये वाला है, दिस वन इज द अपोजिट साइड, यहाँ पे ये पी हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री अपोजिट वाला साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही, और यहाँ ये वाला साइड बेस हो जाएगा। तो हमें मालूम होना चाहिए, बहुत बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि नहीं ये जो साइड जो है जो उनको वर्टिकली स्ट्रेट दिखता है इसी को हमेशा परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और अगर इस तरह की गलतियां करेंगे तो हम हमारे प्रॉब्लम को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम जाने कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। इस तरह से हमें अपने प्रश्न को सॉल्व करने के समय अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, और इसी के बाद आप कर सकते हैं। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपको बताया गया था कल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ टैन ए इक्वल टू वन इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, अगर ये माइंड एट बी, यहाँ पे मान लीजिए बी है, यहाँ पे अगर मान लीजिए बी दिया गया है, ये बी है और टैन ए इक्वल टू वन, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये ए है, तो tan a अगर 1 है, tan a 1 है का मतलब ये होता है, अगर आप वैल्यू सबको याद करके रखे होंगे जो टेबल कल आपको दिखाया गया था जिसमें डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यू सब दिए गए थे, तो वो वहां पे आपने ये देखा होगा कि 1 जो है tan के लिए, अगर tan का कोई थीटा के लिए कोई एंगल के लिए वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि a जो है वो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि हमारा a जो है वो 45 है। जैसे ही आपको अगर वो टेबल याद है, मैंने उसमें भी बताया कि आपको सिर्फ साइन कॉस और टेन का याद करना है क्योंकि बाकी के तीन जो है उन्हीं उसी का इनवर्स है, तो वहां पे भी ट्रिक है कि आप साइन कॉस टेन से भी याद रखें और बाकी तीनों को उसी से आप डिराइव कर लें। तो आपको जैसे tan a इक्वल टू 1 का वैल्यू दिया गया आपको पता चल गया ये जो है वो 45 डिग्री है। अब ये जैसे ही आपको 45 डिग्री पता चल गया तो आप साइन ए भी निकाल सकते हैं, साइन ए क्या होगा, साइन 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। अगर उस टेबल को आप देखें कल जिसको मैं बता रहा था तो वही 1/√2 है। अब यहाँ पूछा क्या है, आपको पूछा गया है 2 sin² a पूछा गया है, 2 sin² a का मतलब हो गया कि आपका 1/√2 को आप स्क्वायर कर देंगे, है ना, आपके पास 2 sin² a दिया गया है, 2 sin² a दिया गया है, और आपको क्या पता चला है, आपको पता चला है देखिए ये जो 2 sin² a का मतलब ये है साइन ए का स्क्वायर, ये सब आप जान लीजिए कि आप ये साइन स्क्वायर a का मतलब है साइन a स्क्वायर है, है ना। तो हमें साइन ए का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया है, साइन 45 का वैल्यू हमने बताया कि 1/√2 होता है, तो 1/√2 यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, 1/√2 और उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा, है ना। ये 5 नंबर तक बता दिया था मैं, इसलिए आंसर के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका ये 2 का 2 रहा यहाँ पे और ये स्क्वायर होके फिर 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ आंसर आपका ये 1 हो गया, है ना, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो। इसलिए आप अगर देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत आपको अगर वैल्यू अगर याद है डिफरेंट एंगल्स के आप तुरंत इसका आंसर दे दें।
उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद अगर हम आगे फिर बढ़ते हैं तो हम बताए थे आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक, 4 नंबर तक ही गए थे, ठीक। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आज हम थोड़ा सा इसको देखेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इस पहले क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन आपके जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। यही स्टेबल नहीं हो रहा है, ओके। ये आपका प्रश्न देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आप जानते हैं तो यहाँ देखिए ये दिया गया है, 100 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति 30 डिग्री का अनुमान कोण पर एक नाव को देख रहा है, नाव और चट्टान के तल के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे आपको विजुअलाइज कर लेना होगा कि ये क्या मतलब, ये स्थिति, ये परिस्थिति क्या है। ये परिस्थिति आपको अगर देखेंगे आप ध्यान से तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ ये मान लीजिए आपका ऊंची चट्टान, 100 मीटर जो ऊंचा चट्टान है वो आप मान लीजिए ये है, ये 100 मीटर दिया गया है ना, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि एक चट्टान की बात है इसका मतलब उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, व्यक्ति की तुलना में उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, तो यहाँ व्यक्ति के बारे में जब तक लिखा नहीं रहे उसकी उसके हाइट के, हाइट हमारे लिए मैटर नहीं करता है, जब तक उसका हाइट के बारे में कोई चर्चा ना हो कि वो कितना ऊंचा है, वो व्यक्ति कितना ऊंचा है, उसके हाइट के बारे में हमको क्या जानना है, तो यहाँ कुछ उसके बारे में नहीं लिखा गया। इसका मतलब ये काफी आसान सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिया गया है, और यहाँ से वो क्या देख रहा है, एक नाव को देख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक नाव है उसको वो देख रहा है ना, ये नाव है उसको वो देख रहा है, और ये जो नाव जो देख रहा है यहाँ पे उसका जो एंगल बना हुआ है वो क्या है, 30 डिग्री का बना हुआ है ना, यही बता रहा है वो एंगल ऑफ, ये क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन सर, हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है कि आपको यहाँ पता चल जा रहा है कि ये इस तरह से ये परिस्थिति है, राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सही नहीं बना है, लेकिन मैं अगर स्ट्रेट लाइन से बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ ये परिस्थिति है, 100 मीटर यहाँ दिया गया है, ऊंचा चट्टान है, ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ एक बना हुआ है, और ये पूछा है कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पूछा गया है ना, यहाँ पे इस डिस्टेंस को पूछा है, नाव और चट्टान के तल के बीच की दूरी क्या है, इसको पर्टिकुलर पूछा गया। तो जहां पे भी आपको देखना है कि जहां पे भी आपको ये दोनों साइड से यहाँ पे आपको जनरली मैटर करता है, एक ये साइड और आपको एक ये साइड, और जब ये परपेंडिकुलर और बेस, ये अगर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस की परिस्थिति है, और अगर हम इसके इसको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हम इसको आराम से, ज्यादातर क्वेश्चंस, ये भी आपको एक मैं हिंट दे दूं कि ज्यादातर प्रश्न में टैन का ही यूज किया जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशियो जो है वो टैन थीटा के में ही आता है, टैन थीटा का जो रेशियो है वो क्या है, पी बाई बी है ना, आपका परपेंडिकुलर बाई बेस है। तो एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये एंगल आपका यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, ये एंगल देखिए यहाँ पे क्या गलती मैंने किया, थोड़ा देखिए तो कोई बताएगा, वो 30 वहां नहीं होगा सर, वो ऊपर होगा, 60 डिग्री होगा वहां पर। वेरी गुड वेरी गुड, आप सही बता रहे हैं।
यही जो मैं बता रहा था, ये आपने सही देखा, तो ये बताने की इसी अच्छी बात है कि आप इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जैसा मैंने आपको बताया था, एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन जो था वो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ उसका आई लेवल तो पहले यहाँ था ना, वो उसका स्टेट वो देख सकता है, लेकिन ये वहां यहाँ से झुका है, यहाँ से जब हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका कैलकुलेशन, ये जो है तो ये 30 डिग्री दिया गया है ना, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के 90 होगा। तब ये आप देखेंगे कि एडजेसेंट अपोजिट एंगल जो है ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए हैं, तो ये पैरेलल लाइन होने के कारण ये एंगल जितना है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर क्या होता है जहां ही एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं हम लोग डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं। और क्यों क्यों ये आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ ये 30 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, है ना। तो मैं मिटा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि ये आपको 30 डिग्री मिल गया है ना। तो ये 30 डिग्री जैसे मिल गया, अब आप क्या करेंगे, आराम से आपको tan 30 का फॉर्मूला यूज कर लेना है ना, tan 30 इक्वल टू tan 30 जो है वो क्या होगा, P by B होता है, तो P यहाँ कितना है 100 है, और B जो है उसी को हमें निकालना है ना, tan 30 इक्वल टू P, और ये बेस यहाँ पे मान लीजिए इसको B ले रहे हैं हम लोग, ये हो गया, तो ये tan 30 1/√3 इसका है ना, ये हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि आप इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है वो होगा 100√3 है ना, बी जो है वो इसका आंसर है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बी इधर जाएगा और ये रूट थ्री इधर जाएगा, तो 100√3 जो है वो इसका आंसर होगा। तो काफी आसान क्वेश्चन सब है, आपको अगर खाली कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिप्रेशन ये सब क्या होता है, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे तो हमको देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है जो कसकर खींची गई है, और एक ऊर्ध्वाकर खंभे के सिर से जमीन तक बंधी हुई है। यदि रस्सी द्वारा जमीनी स्तर से बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात करें। सो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर फिगर को भी, इस पर्टिकुलर प्रश्न का भी फिगर हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। ये सब ज्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कब आएंगे, जब दो तीन केसेस को साथ मिला के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये डायरेक्टली एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूछा जा रहा है, तो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल आप बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना के आप आराम से इसको सॉल्व कर पाते हैं, या इवन आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सा रेशियो को यूज करना है। ज्यादातर टैन थीटा का यूज होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि दूसरे रेशियो का भी यूज हो, तो ये अगर इसको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका, अगर आप ड्रॉइंग बनाए तो ये आपका इस तरह की परिस्थिति है, इस तरह का है, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है ना, और यहाँ बोल रहा है कि 30 डिग्री बना है, और अगर आप ये देखेंगे तो ये बताया गया है 20 मीटर, ये 20 मीटर है, और ये एंगल जो है वो क्या दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है ना, ये एंगल 30 डिग्री दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फिगर में हमें लास्ट में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि खंभे की ऊंचाई, इसको पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे कि हमें आराम से मिल जाएगा हमारे जो पोल है उसका ऊंचाई क्या हो,
कौन सा रेशियो यूज करेंगे हम लोग? बताइए, बताइए। सोच के बताइए कि इसमें एक्चुअली ये इसमें बताइए तो परपेंडिकुलर कौन सा है? ये परपेंडिकुलर है, ये साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है? बेस है, क्योंकि ये 30 डिग्री यहाँ पे है। इस 30 डिग्री है के एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, मैंने पहले ही बताया है आपको। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है, वो भी आपको बताया गया अभी। तो ये आप सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें पी और एच को यूज किया जाता है। तो पी और एच को यूज करने वाला जो रेशियो है वो है साइन का, है ना। तो साइन 30 डिग्री जो है वो यहाँ पे यूज होगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू आपका पी बाई एच, यहाँ यहाँ क्या है एच तो 20 है ना। तो आप जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 अगर यहाँ लेते हैं इक्वल टू पी बाई 20। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा, पी इक्वल टू क्या होगा, ये 10 होगा, है ना। तो इस तरह से हमको यहाँ पे देखिए 10 का यूज नहीं किया हम लोग, यहाँ पे क्या चीज का यूज किए, साइन का यूज किए, और आसानी से हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। ये सिर्फ आपका रेशियो अगर आप जानते हैं और एंगल्स की वैल्यू जानते हैं तो आप आराम से इसको बना लेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 आप देखिए, 1.5 मीटर लंबा। यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे मैंने बताया था कि जब तक आपको इस पर्टिकुलर व्यक्ति का ऊंचाई नहीं दिया है तब तक तो आपका ये मैटर नहीं करता है कि आप उसकी लंबाई को लेके कुछ सोचे, जैसे कि पहला क्वेश्चन में था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, इसका कहने का मतलब है कि आपको उसके लंबाई के बारे में भी सोचना है। 30 मीटर ऊंची इमारत से कुछ दूरी पे खड़ा है, ये भी दिया गया है कि इमारत जो है वो 30 मीटर की दूरी पे, 30 मीटर ऊंची है और उससे कुछ दूरी पे खड़ा है। और ये जैसे थोड़ा लगता है इसका, ये जैसे जैसे वो बच्चा जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपका जो एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन है ना, उन्नयन कोण जो है वो आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि आप बहुत दूर से देख रहे हैं तो आपको ज्यादा सर अपना ऊंचा करके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसका छत को देखना चाहते हैं, उसके शीर्ष बिंदु को देखना चाहते हैं, तो अगर आप बहुत दूर पे हैं तो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या उन्नयन कोण जो है वो काफी कम बनेगा। लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक आते जाते हैं आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ते जाता है। तो ये ही यहाँ पे बताया कि जैसे जैसे आगे बढ़ के जाता है वो एंगल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है।
ज्ञात कीजिए कि वो इमारत की ओर कितनी दूर तक चला, तो वो कितना डिस्टेंस चला, वो आपका थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको इस तरह का प्रश्न लेने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि आप इसको इसको और थोड़ा सा स्किल हो पाए और इसको समझ पाए और सॉल्व कर पाए। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम को इसके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बोला गया है यहाँ, बाकी फिर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे वो बच्चा खड़ा है ना, और यहाँ पे वो इमारत है, वो इमारत मान लीजिए यहाँ पे है ना, तो यहां से वो देख रहा है वो है ना, और इसके बाद यहां से वो चलना स्टार्ट किया, चलने के बाद हो सकता है कि वो आगे बढ़ रहा है और फिर वो इस पॉइंट तक पहुंचा है ना, आगे बढ़ा और इस पॉइंट तक पहुंचा, और यहाँ पे भी उसका फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना है। आपको ये पता है कि आपका ये जो डिस्टेंस दिया गया है वो 30 मीटर दिया गया है ना, ये जो दिया गया है वो 30 मीटर और अगर आप इसके बारे में सोचने लगे तो आपके पास इस तरह की स्थिति है, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल के साथ देखना है, यहाँ एंगल था कितना, ये एंगल था 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री एंगल था और ये एंगल क्या था, हो गया 60 डिग्री है ना, ये हो गया 60 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री 60 डिग्री ये बताया गया है। और आपका पहले इतनी दूरी पे वो था, बाद में आपका उसका डिस्टेंस जो है थोड़ा घट गया, ये पूछा है इसी को, ये डिस्टेंस को पूछा जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना दूर चला है वो पूछा गया है। तो इसको हमें देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसके लिए हमें किस क्या करना होगा। तो देखिए, इसमें भी कोई सिंपल आपको करना है, एक ही यहाँ पे जरूरत वाली बात है जो आपको हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा जो इफेक्टिव हाइट जो है अब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1.5 मीटर का था वो बच्चा, 1.5 मीटर का बच्चा था, तो आपका इफेक्टिव हाइट जो है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का अब कितना हो गया है, 28.5 है ना, 30 में से अगर 1.5 माइनस कर देंगे तो ये 28.5 हो जाए। तो इसी 28.5 के आधार पे हमें, आपको मालूम है, जस्ट सिंपल आपको समझना है कि आपको टैन का ही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आपको इस साइड से मतलब है, आपका एक परपेंडिकुलर साइड दिया गया है, ये परपेंडिकुलर साइड है और आपका क्वेश्चन जो है वो बेस साइड से पूछा गया है, तो हमें टैन का ही यूज करना है। तो एक केस होगा टेन 60 का और एक केस होगा टेन 30 का। टेन 30 के समय ये क्या डिस्टेंस होगा, बी होगा, वो उसको निकाल लेना है, और टेन 60 के समय ये क्या डिस्टेंस होगा उसको निकाल लेना है, और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितना आगे बढ़ा है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हाँ, ये इस इतने कम जगह में, क्योंकि यहाँ दो टेन का यूज करना है, तो मैं जैसे इसको सॉल्व करके रखा हूँ, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ है ना, क्योंकि इतना लिख पाना फिर मुश्किल होगा। ये आप प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, यही पर्टिकुलर फिगर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, और ये फिगर आप देख सकते हैं इस इमेज को,
अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको बना के भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए आर बाई पी आर, ये ए आर बाई पी आर है ना, ये इधर से ए आर है और इधर से ये जो है वो पी आर जो है, इसको लेके हम 10-30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, तो ये 10-30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। और तो और आपको मालूम है कि ए आर जो है, ए आर क्या है, मैं अभी बताया था आपको कि 28.5 हो चुका है, तो इसके द्वारा आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू आ जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके द्वारा अगर आप सॉल्व करते हैं तो पी आर जो है, जिस डिस्टेंस को मैं बोल रहा था इस ट्रायंगल में, पी आर जो है 28.5√3 निकलता है। उसी तरह से जब आप इस दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं, उसमें 1060 का यूज किया गया है, ए आर बाई एस आर, परपेंडिकुलर वही सेम है, एस आर यहाँ नीचे में बेस है, तो ए आर बाई एस आर क्या होगा, ए आर अगेन आपका 30-1.5 मतलब 28.5 है, डिवाइडेड बाई एस आर, एस आर जो है वो निकलेगा आपका √3 है 1060 का वैल्यू। और उसके बाद अगर आप इसको निकालेंगे तो आपका एस आर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यू आर क्या कर सकते हैं, क्यू आर जो है आप आगे जाके इसको निकाल सकते हैं, यहाँ यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ लगता है से हट गया है, है ना, एस आर जो है 28.5√3 होगा, है ना, इसको अगर सॉल्व करके देखेंगे, एस आर जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, 28.5 ये है, 28.5/√3 जो है वो एस आर होगा। तब क्यू आर क्या होगा, इसी डिस्टेंस को हमें निकालना है ना, हमें इस डिस्टेंस से मतलब है क्यू आर से, तो क्यू आर क्या होगा आपका, ये टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, दोनों हमें हम निकाल चुके हैं, एक 28.5√3 है ये पहला वाला केस, और दूसरा जो है 28.5/√3 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 28.5 जो है वो कॉमन चला जाएगा, और इसके बाद अगर इसको √3-1/√3 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे दोनों में ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, है ना, √3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर √3 ये मल्टीप्लाई होकर 57√3 रहेगा, 57 जो है नीचे का फिर 3 से कट जाएगा तो 19 आ जाएगा, 19√3, तो 19√3 जो है वो इसका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा उससे ज्यादा ट्रिकी था, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि यदि टावर की ऊंचाई और बिल्डिंग फुट से एक बिंदु तक की दूरी 40% बढ़ जाती है तो टावर के शीर्ष पर ऊंचाई का कोण, इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फुट्स टू अ पॉइंट इज इंक्रीज बाय परसेंट, द एंगल ऑफ इलिवेशन एट टॉप ऑफ द टावर क्या होगा। आप इस प्रश्न को समझ रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, और फिर बोला जा रहा है कि इसके इसका हाइट जो है, ये हाइट जो है ना, ये हाइट जो है इसको बढ़ाया गया है, और इसके बाद इसका बेस को भी बढ़ावा दिया है ना, ठीक है, हाइट को भी बढ़ा दिया गया है
40% और बेस को भी बढ़ा दिया गया 40%, तो आपका ये एंगल जो है उस पर क्या असर होगा, क्या वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नहीं बदलेगा, या इसमें से कोई नहीं, ये आपके पास ऑप्शन है, आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं। दोनों चीज में बढ़ोतरी हुई है, उसका हाइट भी बढ़ाया गया है और बेस भी बढ़ाया गया बाई 40%, तो उसका जो एंगल है, मान लीजिए यहाँ एंगल थीटा बन रहा था, तो अब वो एंगल क्या होगा, थीटा से बड़ा हो जाएगा, थीटा से छोटा हो जाएगा, या इसमें से मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, या ये तीनों आंसर, तीनों विकल्प ही गलत है, क्या आप बोल सकते हैं? दोनों आपने लंबाई और आपका बेस जो है दोनों को आपने बढ़ाया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई बताइए इसमें, ठीक है, देखिए अगर हम एक ये पहले भी एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट एक ये है कि किसी भी एंगल के लिए अगर आप उसका साइड कितना भी बढ़ाएं, है ना, अगर एक ही रेशियो में अगर साइड बढ़ाते रहते हैं तो आपका एंगल चेंज नहीं होगा, और ये वाइस वर्सा है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर इसी में अगर हम बात करते हैं, ज्यादा बेटर ढंग से समझ पाएंगे अगर, क्योंकि ये फिगर मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, इसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो अगर ये देखते हैं इसका एक फिगर जो है, ये इस फिगर को देखिए आप, है ना, यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये थीटा है, है ना, ये मान लीजिए थीटा है, ये थीटा एंगल है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको इसका साइड को, यहाँ जैसे बोला गया इसका साइड को बढ़ाया गया, इसमें उस इस क्वेश्चन में तो आपको बोला गया हाइट और बेस के बारे में, यहाँ पे क्या बढ़ाया गया, यहाँ पे आपका इसको बढ़ाया जा रहा है, आपका कर्ण को बढ़ाया जा रहा है, उसी अमाउंट में बेस को भी बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे ही आप देखिए इस पर्टिकुलर एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये अगर बढ़ा है तो ये भी ऑटोमेटिक उतना ही बढ़ा, और ये लीक भी राइट 40%, आप 40% बढ़ाइए, 50% बढ़ाइए, 80% बढ़ाइए, या 50% घटाइए, 50% 40% घटाइए, अगर आप उसी रेशियो में चीजों को बढ़ाते या घटाते हैं तो आपका एंगल जो है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आप इस केस में भी देख सकते हैं कि जो आपका एंगल जो है वो, ये एंगल जो है वो फिक्स है, यही एंगल पे ये ट्रायंगल भी राइट एंगल, इसी एंगल पे ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बना है, उसी एंगल पे सेकेंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी बना है, और उसी एंगल पे थर्ड वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी बना है। कहने की बात ये है कि आपका ये एंगल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, आप इक्वल अमाउंट में बढ़ाए जा रहे हैं, आप जितना परपेंडिकुलर को बढ़ा रहे हैं उतना ही बेस को भी बढ़ा रहे हैं, या उतना ही हॉरिजॉन्टल को भी बढ़ा रहे हैं, तो उसी रेशियो में अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका एंगल जो है उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप इसमें कोई चेंज कर दें, मान लीजिए कि आप इसको परपेंडिकुलर को ज़्यादा बढ़ा दें और इस बेस में कोई चेंज ना लाएं, या बेस में उसी रेशियो में चेंज नहीं लाएं, तो ऑटोमेटिक एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। ये एंगल देखिए यहाँ बड़ा हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर को हमने बढ़ा दिया और उसी रेशियो में हमने बेस को नहीं बढ़ाया, तो आपका ये एंगल तब चेंज हो जाए। लेकिन आप उसी अमाउंट में अगर बढ़ा रहे हैं, ये जैसे ही इसको आपने बढ़ाया और जेंटल लाइन को, कर्ण को जैसे ही बढ़ाया, आप इक्वल अमाउंट में इसके बेस को भी बढ़ा दिए हैं, तो आपका एंगल जो है वो नहीं चेंज होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर में होगा कि समान रहेगा, या आप बोल सकते हैं कि कोई बदलाव नहीं बदलेगा। अब हम लोग जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे, दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम।
ये भी क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन सिर्फ 7 नंबर क्वेश्चन जो था थोड़ा सा लंबा था, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो है वो पूरे टिपिकल आपके आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए पूछा गया है, यदि 3 मीटर ऊंची इमारत की छाया जमीन पर √3 मीटर लंबी पड़ती है, सूर्य का उन्नयन है, आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा गया है। ये काफी आसान क्वेश्चन है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करके रखें। आपके पास क्या बताया गया है, आपको बताया गया है, देखिए आपको बताया गया है कि एक इमारत है, ये इमारत है मान लीजिए, है ना, और उसकी छाया बन रही है ना, ये मान लीजिए उसकी छाया बन रही है, और यहाँ पे कहीं पे सूर्य होगा, है ना, यहाँ पे मान लीजिए सन है आपका, यहाँ पे सन आपका है, ठीक है, उसके कारण छाया बन रहा है। तो ये बोला गया है कि ये जो है वो 3 मीटर है और ये छाया जो है वो √3 मीटर है, और पूछा गया है आपसे कि ये एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मान लीजिए यहाँ से अगर कोई देख रहा है सन को, तो वो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, ये एंगल पूछा गया आपसे। तो ये सिंपल है, सिंपल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपको यही दो साइड आपको दिख रहा है, ये दोनों साइड देखने का मतलब है कि आपको परपेंडिकुलर और बेस वाला आइडिया यूज करना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस 10 थीटा के लिए होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यही एंगल निकालना है। मान लीजिए ये थीटा है, इसको हम लोग थीटा मान ले, तो 10 थीटा जो है वो आपका थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये 10 थीटा हो गया, पी हो गया आपका 3, ये पी है, दिस इज पी दिस साइड, और आपका ये बेस है √3। तो अगर आपका 10 थीटा 3/√3 है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना, ये √3 हो जाएगा। तो 10 थीटा √3 अगर 10 थीटा का वैल्यू है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं इससे रिलेटेड, थीटा जो होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। इस एंगल के लिए थीटा का वैल्यू, 10 थीटा का वैल्यू √3 होता है, तो थीटा जब 60 डिग्री होता है, तो ये हम लोग पहले देखे हुए हैं। अगर आपको टेबल याद है तो ये पूरा सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से, ये ऑब्वियसली आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सब आ रहा है, तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन लेंगे, इसका आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये उससे मिलता जुलता प्रश्न है जिसमें कि हम 7 नंबर क्वेश्चन जब बना रहे थे, तो ये उससे मिलता जुलता है। अगर आप इसके फिगर को भी आप ध्यान से अगर बना पाए, आप ध्यान से सोच पाए, तो आप आराम से इसको आराम से बना सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ क्या बताया, एक 6 मीटर लंबा एक व्यक्ति खड़ा होकर एक टावर को ऊपर और नीचे क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री कोणों पर देखता है। तो मान लीजिए आप इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि यहाँ एक बच्चा खड़ा है और यहाँ एक टावर है ना। तो ये जब ये बच्चा जो है जो ऊपर देखता है, उसकी एक कंडीशन दिया गया है, और यही बच्चा जब नीचे देख रहा है, उसका एक कंडीशन दिया गया है ना। ये दो कंडीशन दिए गए, और ऑफ कोर्स हमें राइट एंगल ट्रेंगल पूरा करना होगा, तो हम उसको मिला लेंगे, है ना। तो इसका आप ये देख सकते हैं कि ये बताया है गया है कि जब ऊपर देख रहा है तो 45 डिग्री, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रिंगल एक बना दें, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रिंगल बना दें, है ना, तो हमारे पास ये एंगल जो है, दिस एंगल इज ऊपर, ये जब ऊपर देख रहा है तो ये 45 डिग्री है ना।
ये 45 डिग्री दिख रहा है, और जब वो नीचे दिख रहा है देख रहा है तो 30 डिग्री है। तो जैसा मैंने बताया था ये एंगल 30 डिग्री है, उसी के उसका मतलब हो गया कि ये जो जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल जो है, ये जो एंगल है वो भी आपका 30 डिग्री होगा, है ना, ये भी 30 डिग्री होगा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल का आपको केस मिल गया, उसके साथ साथ आपको ये भी मिल गया कि ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर दिया गया। तो अब हमको निकालना क्या है, इसका हाइट निकालना है, ये पर्टिकुलर चीज का हाइट निकालना है। तो आप इसको देखिए कि आप इसमें भी आप दोनों टैन का ही यूज करेंगे, क्योंकि हमें देख रहा है कि ये अगर इस साइड का बात कर रहे हैं तो ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर साइड है, और इसका यूज करके हमें, और ये भी एक 6 मीटर वाला भी जो दिया गया ये भी परपेंडिकुलर साइड ही है, और ज्यादा से ज्यादा हमें ये बेस साइड निकालेंगे तो हम आराम से चीजों को कर पाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जिसमें मालूम है हमें, जिसमें कोई एक साइड मालूम है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हमें कोई साइड मालूम नहीं है, ना ये साइड मालूम है, ना ये साइड मालूम है, ना ये साइड मालूम है, तीनों साइड हमें नहीं मालूम है, इसलिए अभी हम उसको नहीं सो नहीं करते। हम लोग जाएंगे ये इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिख रहा है हमें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहा है कि 6 मीटर ये दिया गया है और ये 30 डिग्री है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको टेन 30 कर दें, टेन थर्टी डिग्री अगर हम ये करते हैं, ताकि आप ये 10-30 डिग्री अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 6 बाई, इसको मान लीजिए हम लोग एच मान लेते हैं, इस डिस्टेंस ये डिस्टेंस यहाँ बेस वाला डिस्टेंस जो है उसका, ये क्या हो जाएगा 6 बाई एच ई बाई बी, है ना। 10-30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, अभी हम लोग देख रहे थे 1060 का वैल्यू √3 होता है, 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये हो गया 6/1/√3 = 6/h। तो अगर हम इससे h का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो h क्या हो जाएगा हमारा, h अगर इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 6√3, है ना, 6√3 हो जाएगा। तो ये h जो है वो हमारा कितना निकल रहा है, 6√3 निकल रहा है, ये 6√3 निकल रहा है, 6√3 निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके पैरेलल साइड यहाँ पे है तो ये साइड भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6√3। अब देखिए देखिए प्रश्न आसान बनाने के लिए ऐसे एंगल सब दिए जाते हैं। अब देखिए ये 6√3 जैसे ही निकल गया, ये एंगल जैसे ही 6√3 निकल गया, तो ये अब क्या है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो इस एंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी हमें एक साइड मिल चुका है। तो हमें जैसे ही एक साइड मिल गया तो हम इस साइड को यूज करके अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरा साइड निकाल सकते हैं। अब ये भी पहला ही क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जो था 10 45 डिग्री वाला, उसमें हमने देखा था कि 10 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस ट्रायंगल ऐसे मैं यहाँ करके भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ अगर 10 45 लेंगे तो ये 6√3 होगा, और ऑफ कोर्स अगर ये 1 होता है 10 45 तो ये भी 6√3 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं लिखूँ इसको 10 45 क्या होगा यहाँ पे, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं के इतने डिस्टेंस को यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर इसको के मान लेते हैं तो के बाई बेस हमें मिल चुका है के बाई 6, है ना, और हमें मालूम है 10 45 कितना होता है, 1 होता है। ये अगर 1 हो गया तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 हो गया मल्टीप्लाई होगा तो 6√3 हो जाएगा।
के इक्वल टू सिक्स रूट, है ना। तो अभी हमें क्या पता चल गया, के सिक्स रूट थ्री है, हमें क्या पता चल चुका है, ये भी अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर साइड का पैरेलल साइड यहाँ पे सिक्स है, ये साइड यहाँ तक अगर ये बचा हुआ पार्ट है वो इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिक्स हो जाएगा, सिक्स मीटर हो गया, और ये हमारा कितना निकल के आया, सिक्स रूट थ्री आया। अब ये आंसर सॉल्व हो गया, तो हमारा टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, सिक्स रूट थ्री प्लस सिक्स, सिक्स रूट थ्री प्लस सिक्स। तो अगर आप देखेंगे इस तीनों चारों ऑप्शन में तो सिक्स रूट थ्री प्लस सिक्स का ऑप्शन ये डी वाला है, है ना। इसी में अगर सिक्स इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, सिक्स रूट थ्री प्लस सिक्स, तो हमारा डी जो है वो आपका आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और ये काफी, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और आप ये समझाया जा रहा है इसलिए आपको इतना थोड़ा समय लग रहा है, बट अदरवाइज ये आपका विद इन सेकेंड आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और इसको आप देखते हुए आप इन सब प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली जो प्रश्न आएंगे इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, वो इन्हीं तरह के कुछ प्रश्न सब आ सकते हैं, कुछ रेशियो से रिलेटेड डायरेक्टली आपका कोई साइड निकालने के लिए बोला जा सकता है, कोई एंगल निकालने के लिए बोला जा सकता है, या एक पर्टिकुलर रियल लाइफ प्रॉब्लम देके, जिस तरह का प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, ये सब एनसीईआरटी के बुक से ही मिलते जुलते प्रश्न सब हैं, वहां से भी बहुत सारा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न जो है उसको मैंने क्रिएट किया, उसको देखते हुए नए नए प्रश्नों को बना के आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह के प्रश्नों को